Hello friends, you are watching Saral English Guru, A Step Towards English World. और इस एपिसोड में आज हम देखेंगे prepositions. Prepositions स्थिति स्थान दशा बताने वाले शब्द जिनसे ये पता चलता है कि हमारा संज्ञा, हमारा व्यक्ति, हमारा स्थान, हम किस स्थान पर हैं, किस दशा में हैं, ऐसे बताने वाले शब्द prepositions अंग्रेजी में कहलाते हैं. तो चलिए इन्हें जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम इनसे बने हुए सेंटेंसेस अगले एपिसोड्स में देखेंगे. प्रपोजिशंस पार्ट वन. इन, इन का उपयोग अंदर, में, जैसे आई एम इन द क्लास, आई एम इन द वॉटर. इन किसी के अंदर है, किसी के भीतर है बताने के लिए इन का प्रयोग. और साल और महीना बताने के लिए इन 1999, इन जनवरी, इन फरवरी, इस तरह से इनका प्रयोग अंदर, महीना, साल बताने के लिए. ऑन, किसी चीज के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर बताने के लिए सब ऑन. माय बुक्स आर ऑन द टेबल, ही इज ऑन द टेबल. दिन और तारीख बताने के लिए ऑन, ऑन 26 जनवरी. ऑफ, का की के, किसी चीज से जोड़ने के लिए. दिस इज द पेन ऑफ माय फ्रेंड. तो ऑफ से किसी व्यक्ति को जोड़ा हमने, फ्रेंड. द लेग्स ऑफ द टेबल, टेबल की टांगी. एट, किसी स्थान पर, लेकिन छोटे स्थान पर. पर या में हिंदी में हम बोलेंगे, जैसे गेट पर हैं, एट द गेट, दरवाजे पर हैं, एट द डोर, प्लेटफॉर्म पर हैं, बस स्टैंड पर हैं, कॉलेज में हैं, इस तरह से बताने के लिए, छोटी जगह पर बताने के लिए एट. एट द बस स्टैंड, एट कॉलेज. और किसी निश्चित समय, समय का, जैसे एट 12 बजे अगर हमारा स्कूल शुरू होता है, एट 12 o'clock, तो बिल्कुल एग्जैक्ट निश्चित समय बताने के लिए भी एट प्रेपोजिशंस का प्रयोग. फॉर, के लिए, किसी के वास्ते. दिस पेन इज फॉर यू, दिस डिजाइन इज फॉर यू. तो फॉर से किसी के वास्ते, किसी के खातिर. फ्रॉम से, जहां से हमारा उस संबंध विच्छेद होता है, जहां से हम उस चीज को करके अभी वापस आ रहे हैं, जैसे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से अगर वापस आ रहे हैं. फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम स्टेडियम, तो स्टेडियम से वापस आ रहे हैं, मतलब हमारा संबंध स्टेडियम से अब विच्छेद हुआ है. नियर, के पास, किसी चीज के नजदीक, किसी चीज के करीब, लेकिन ध्यान करें उसके आसपास हैं आप. नियर, नियर माई स्कूल, नियर माई कॉलेज, नियर माई होम, तो मेरे घर के पास, मेरे घर के नजदीक. विथ, के साथ में, साथ में, और कभी कभी विथ का प्रयोग से बताने के लिए भी होता है. जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ में हूँ, तो आई एम विथ माई फ्रेंड. अगर हमें से का यूज सीखना है, तो आंखें आंसुओं से नम है. वेट विथ वाटर्स, विथ वाटर्स, विथ टीयर्स, तो पानी से. हम इन प्रपोजिशंस को आगे सेंटेंसेस में ठीक से देखेंगे. अंडर, के नीचे, किसी चीज के नीचे, किसी चीज के अधीन. अंडर द टेबल, अंडर द ट्री. बिहाइंड, किसी चीज के पीछे, के पीछे. बिहाइंड माई स्कूल, बिहाइंड माई होम, तो बिहाइंड का प्रयोग किसी चीज के पीछे. अबाउट, किसी के बारे में जानकारी लेना हो, के बारे में, के विषय में, के प्रति में, लगभग, के संबंध में, के मामले में, तो इन सब के लिए हमारे हिंदी का जो शब्द है, उसके लिए अंग्रेजी में एकमात्र प्रेपोजिशंस अबाउट. अबाउट माई फ्रेंड, अबाउट योर हेल्थ, आपके हेल्थ के बारे में, आपके हेल्थ के संबंध में. अराउंड, के चारों ओर, किसी चीज के चारों ओर. Around my school, there are many shops. मेरे स्कूल के चारों तरफ. Among, दो से ज्यादा के बीच में. Among, अगर जैसे डॉक्टर मरीजों के बीच में है, मरीज ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हैं, among. Doctor is among the patients. लेकिन between, सिर्फ दो के बीच में. I am between Rikku and Komal. तो दो के बीच में अगर हमें कोई चीज दिखानी हो, तो between. ये था हमारा प्रपोजिशन पार्ट वन. चलिए देखते हैं पार्ट टू. टुवर्ड्स, के प्रति, की ओर, के तरफ. अगर हम किसी ओर जा रहे हैं, किसी की तरफ जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई फील्ड, टुवर्ड्स माई स्कूल, के तरफ. बिफोर, के पहले, किसी चीज के सामने, के सामने, के पूर्व. बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले. बिफोर माई होम, मेरे घर के सामने. तो बिफोर का प्रयोग किसी चीज के पहले, किसी चीज के सामने बताने के लिए. आफ्टर, ठीक उसका उल्टा, के बाद में, के पश्चात बताने के लिए. आफ्टर 10 o'clock,
आफ्टर मी यू कैन कम, मेरे बाद तुम आना, आफ्टर के बाद के पश्चात, बियॉन्ड के पार उस पार के पर, जैसे पर्वत के उस पार तो बियॉन्ड द हिल, मेरे समझ के परे बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, अगेंस्ट के विरुद्ध के खिलाफ, आप लोगों ने इस पोजिशन को अक्सर सुना होगा, अगेंस्ट हम जब कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो अगेंस्ट किसी टीम के नाम के लिए यूज होता है, विदाउट के बिना, के रहित, विदाउट करेज यू कांट डू एनीथिंग, बिना हिम्मत के कुछ नहीं कर सकते, विदाउट मैंने के बिना, थ्रू से किसी चीज के आर पार, किसी चीज के माध्यम से अगर हम कोई काम करते हैं, किसी चीज के माध्यम से, जैसे हमने खिड़की से उस पार कुछ देखा है तो हम बोलेंगे थ्रू द विंडो, कांच से हमने कुछ देखा है, कांच के आर पार वो चीज हमें दिखाई पड़ रही है तो थ्रू द ग्लासेस, थ्रू द विंडो, इनटू कोई चीज गतिशील होकर के तेजी से अंदर गई है, पानी में गया है, कोई चीज कमरे में आए हैं कोई व्यक्ति, तो हम इनटू, द क्लास टीचर केम इनटू द क्लास, माय पेन फेल इनटू द वाटर, पेन पानी में गिर गया, ऑन टू वही सेम, कोई मैदान पर कोई चीज गतिशील करते हुए कोई स्थान पर आए हैं, ऑन टू द फील्ड, बैट्समैन जैसे मैदान में आते हैं, ऑन टू द फील्ड, अपॉन किसी के ऊपर, जैसे हमने ऑन देखा था ये ठीक थोड़ा उससे अलग होता है, इसमें कोई चीज गतिशील होकर के उस पर गिरती है, कूदती है, उसके ऊपर आती है, मंकी जंप्ड अपॉन द रूफ, मंकी छत पर कूदा, अप टू या टिल किसी चीज तक, जैसे घुटने तक, मेरे घर तक, क्लास तक, कमरे तक, ऐसा कुछ बताना हो तो अप टू या टिल, ड्यू टू किसी चीज की वजह से, कोई कारण से कुछ हुआ है, जिसे हम बिकॉज ऑफ या ओइंग टू भी कहेंगे, ड्यू टू किसी कारण से, बाय अलोंग, अलोंग द रोड, अलोंग द जंगल, जंगल के किनारे, अलोंग द या बाय द रिवर, नदी के किनारे, नेक्स्ट टू या बिसाइड किसी चीज के बाजू में, के बाजू में, माई फ्रेंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरा फ्रेंड मेरे बाजू में बैठा है, ये बिसाइड माई होम देर इज अ क्लास, मेरे घर के बाजू में एक क्लास है। तो फ्रेंड्स हमने प्रेपोजिशंस देखे पार्ट वन पार्ट टू, इन्हें आप फिर से देख करके पॉज करके नोट कर लें, इनसे बने हुए सेंटेंस हम अगले एपिसोड्स में देखेंगे, इन प्रेपोजिशंस को आप धीरे धीरे अपने यूज में लाएं, अपने उपयोग में लाएं, इनसे सेंटेंसेस बनाएं, अपने तरीके से जैसा भी हो बनाएं, आप धीरे धीरे इन प्रपोजिशंस को याद कर पाएंगे, इनके यूज ठीक से सीख पाएंगे। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, आई स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। अगर आपको ये एपिसोड्स, अगर आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस इंग्लिश सीख पा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन्स को बजा करके लेटेस्ट अपडेट जान सकें और शेयर करें, ताकि आप अपने इंग्लिश को, आपने जो सीखा है उसे और बेहतर जान सके। आप अपना एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप इस तरह के सेंटेंसेस छोटे छोटे यूज कर पाएं। हम आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।